नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का आज जन्मदिन है। वो आज पूरे 25 साल के हो गए हैं और वो अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाल ही में उनके जन्मदिन को लेकर सुहाना खान ने भी इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आर्यन खान को बेस्ट ब्रदर का भी खिताब दिया। और साथ ही उनकी दो बचपन की दोस्त अनन्या पांडे ने भी उनकी और अपने क्यूट पिक्चर्स शेयर करके उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दी। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम आर्यन खान को लेकर बात करेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह से ही आर्यन खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही है। सुपरस्टार शाहरुख खान के घर जन्मे आर्यन बचपन से ही लाइमलाइट में रहे हैं। अपने पिता के स्टारडम के छाव में बड़े हुए आर्यन की अभिनय में कोई रुचि नहीं है। हालांकि आर्यन ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है। अब आर्यन फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं। 12 अक्टूबर 1997 को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आर्यन खान का जन्म हुआ था। आर्यन शाहरुख खान के जीवन में गुड लक की तरह आए थे। आर्यन के जन्म से ठीक 12 दिन पहले शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है रिलीज हुई थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। इतना ही नहीं, आर्यन खान के जन्म के बाद शाहरुख खान की फिल्म में धड़ाधड़ सुपरहिट हुई थी। साल 1998 में आई फिल्म दिल से कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म में दर्शकों के दिलों में आज तक बसी हुई है। शाहरुख खान के स्टारडम के छाव में बड़े हुए आर्यन खान बचपन से ही लाइमलाइट में रहे हैं। आर्यन खान में अपने पिता की तरह रात भर जगने वाले इंसान हैं। साल 2017 में आई शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था कि मैं आजकल आर्यन के साथ ज्यादा वक्त बिताता हूँ। आर्यन भी मेरी तरह रात में देर तक जगता है। शाहरुख खान बताते हैं कि आर्यन एक मजबूत लड़का है और मार्शल आर्ट्स में भी काफी रुचि रखता है। ताइक्वांडो में आर्यन ने ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है। आर्यन खान के 25वें जन्मदिन पर अनन्या पांडे ने बचपन की क्यूट तस्वीरें पोस्ट की है। इन फोटो में अनन्या और आर्यन दोनों ही छोटे और काफी क्यूट नजर आ रहे हैं। अनन्या ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे पहले और हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बता दें कि आर्यन खान कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। तो देखा आपने कि कैसे आर्यन खान शाहरुख खान के लिए गुड लक साबित हुए। जैसे उन्होंने बताया था इंटरव्यू में कि आर्यन खान के जन्म के बाद उनके काफी सारे मूवीज सुपर हिट और डुपर हिट गई है, जिसकी वजह से उनका करियर काफी ज्यादा चमक गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ। गुड बाय।